गाइस तो हमने प्रसाद ले लिया था, ये 100 रुपीज का प्रसाद मिला है। 120 की थाली मिली लेकिन खाना बेस्ट था भाई बिल्कुल। वो आ चुका हूँ नैनीताल में। हे गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और मजे में हो गए। और आज का जो ब्लॉग है आपने शुरू हाइलाइट्स में देखा ही होगा किस तरीके का ब्लॉग होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। एंड देखिए आगे जाके क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी मेरे साथ है अभिनव, आयुष और उधर डिशल डीजे मोहित। बाकी गाइस अभी चलते हैं आगे की ओर। और अभी मैं हूँ ट्रेन के अंदर, ट्रेन सफर कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद से आया हूँ, मुरादाबाद से हमने जनरल कोच का टिकट लिया था करीब करीब 60 से 80 रुपये के बीच में। अभी कांडो धाम पे मतलब उतर जाएंगे हम, उसके बाद वहाँ से बस बस लेंगे तो दिखाता हूँ आपको। बाकी बने रहो ब्लॉग के अंदर। तो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स ऑल सनी एंड वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। बाकी गाइस देख सकते हो नज़ारे, देख सकते हो नज़ारे, सक्शन गौर चल रहा खतरनाक वाला। बाकी गाइस लोकेशन बड़ी प्यारी है यहाँ की, देखो एक बार देख सकते हो लोकेशन, प्यारी लोकेशन है भाई एकदम बढ़िया। अभी एक बैड न्यूज़ मिली है हमें, ये जो ट्रेन है सिर्फ हल्द्वानी तक ही है और इससे आगे मतलब काठगोदाम तक नहीं जा रही है, कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा या फिर किसी रिलेटेड। और अभी मैं हूँ हल्द्वानी के स्टेशन पर। बाकी गाइस अभी देखते हैं क्या ही होता है आगे की ओर, चलते हैं। मतलब बस से जाना पड़ेगा काठगोदाम की ओर, तो चलते हैं अभी, यहाँ से ही सफ़र कंटिन्यू करना पड़ेगा। ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन चल पड़ी, अब देखो सनराइज हो चुके हैं। इधर बैठा आयुष, मोहित भाई व्यू लेते हुए, अरे भाई कहाँ वहाँ से डेस्टिनेशन ना अभी नहीं। तो गाइस तो अभी एक चीज़ हमें पता लगी, अभी हम लोग यहाँ पे जो लास्ट ब्लॉक खत्म किया था ना मैंने, मतलब हल्द्वानी के सिर में खत्म किया था, तो ये कह रहे थे कि काठगोदाम तक ट्रेन नहीं जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि काठगोदाम तक ट्रेन वापस जा रही है, लेकिन ये हमारा उल्लू बना रहे थे लेकिन हमने नो उल्लू बना दिया, हम ट्रेन में बैठ गए। इससे आगे एक लाइन है काठगोदाम, अभी काठगोदाम पे उतरेंगे उसके बाद आएगी, जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो बने रहो ब्लॉक के अंदर, एंड मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको, एंड बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो ब्लॉक के अंदर। अभी आ चुके हैं हम काठगोदाम के स्टेशन पर और ट्रेन हो चुकी है पूरी खाली, क्योंकि लास्ट स्टेशन है और मतलब इसके आगे ट्रेन जाती ही नहीं है, पटरी नहीं है भाई, लाइन ही नहीं है। तो अभी ये लास्ट स्टेशन है, उसके बाद अभी आगे चलते जा रहे हैं, एंड यहाँ से बस मिलेगी या फिर कार मिलती है, देखते हैं क्या ही मिलता है, एंड देखते हैं कितना रेंट रहता उसका, है ना। अभी हम 4 लोग हैं और चारों बिना बैग के बिना किसी चीज़ के सुबह घर से उठ के घर वालों को भी मतलब रात में 1-2 बजे बता रहे हैं, जब उठ रहे हैं सो के तब बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। तो अचानक से प्लान था बिल्कुल, मतलब प्लान क्या ही, मैं इसको प्लान तो कहूँगा ही नहीं, सॉरी फॉर डैट, इंस्टेंटली प्लान जिसे कह सकते हैं वाला प्लान था ये। बाकी अभी चलते हैं स्टेशन पे ही, पहाड़ देख सकते हो, देखो गाइस और देख लो कितना अच्छा व्यू है स्टेशन पर ही, एकदम मस्त वाला व्यू है भाई स्टेशन पर। और ये देखो लड़के चलते जा रहे हैं, इधर भी देख सकते हो चारों तरफ बढ़िया, मोहित हरकतें करने लग गया। बाकी आप देख सकते हो काठगोदाम की रोड कुछ ऐसी है और ऐसे कुछ नज़ारे मिल जाएंगे आपको। काठगोदाम के बस स्टेशन पर भी आ चुके हैं हम लोग, ये सारी बस खड़ी है यहाँ पे, ऐसी बस लगती है, मुझे तो नान खटाई खानी है। और अभी हम चाय पी रहे हैं, क्या छोड़ गया था क्या तू यहाँ पे चाय? कह रहे एक और होगी, ये कहने एक और लगा दो, एक और होगी हमारी यहाँ पे, क्या यार। बाकी गाइस हमें भेजा है सामने इंजीनियर चाय वालों ने, ये रिकमेंडेड किया क्योंकि उनका ना रात तक का ही है, और भैया के पास 30 साल पे बैड लग है कि हम इंजीनियर चाय वालों की चाय नहीं पी पा रहे हो। तो अभी पीते हैं, बाकी बस करते हैं नीप करोरी की और चलते हैं नेस कैफे के साथ। गाइस तो अभी मैं ना सो गया था और नींद आ गई थी बहुत ख़तरनाक वाली, और अभी देख सकते हो पता इधर नज़ारे बहुत ख़तरनाक वाले हो रहे हैं, एकदम बढ़िया वाले। और अभी बस में बैठा हूँ मैं, बस का टिकट जो है ना वो सिर्फ 110 रुपये का है, 110
चलते हैं, पहुँचाती है बस 20-25 मिनट पहुँच रहे हैं, बाकी इंतजार देखो। देखो और मैं ना बस में सो गया था, तो भाई मतलब एक नेस्ती सी जैसे चढ़ जाती है तो वो चल गई थी, तो मैंने सोचा पहले मुंह धो लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी लोकेशन मिली है, तो अभी ना दिखा देते हैं। तो एक लोकेशन मिली है बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमने अभी मुंह धोया फ्रेश, मतलब एक फ्रेश भी हो रहा है, मुँह वाला धो के एकदम बढ़िया। अब जाएंगे हम दर्शन करने के लिए और दर्शन करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा मंदिर है, कैसी कैसी चीजें, क्या क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो हमने प्रसाद ले लिया था, ये 100 रुपीज का प्रसाद मिला है और आप देख सकते हो अभी एंटर कर चुका हूँ मैं अंदर टेंपल में ना, और देखो कितनी पब्लिक है यार, मतलब अच्छी खासी पब्लिक है और अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग आ रहे हैं भाई, अलग अलग स्टेट से, मतलब लैंग्वेजेस चेंजेस देख रहा हूँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और देख सकते हो गाइस। बाकी अभी आयुष और ये सब चल रहे हैं यहाँ पे, आप जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हो, एंड इसके अंदर अभी चलते हैं मंदिर में, टेंपल में अंदर ना, आगे ना भाई अंदर ना, पूरा कैमरा वैमरा सब मना है भाई अंदर, मोबाइल फ़ोन वगैरह हर एक चीज़ मना है। मैं दर्शन वगैरह करता हूँ अंदर एंड आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ होगी सारी शेयर करूँगा आपसे। तो पहले अभी अंदर चलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, वापस बाहर आता हूँ। दर्शन हो चुके हैं कम्प्लीट और प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ चुके हैं, तो अंदर की वाइब कैसी लगी भाई? अच्छा था ना? बढ़िया है ना। और हमने अंदर हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ी, और मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ी इतनी अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छी एकदम। तो अगर आप भी आ रहे हो नीप करोई बाबा तो आ सकते हो भाई, नैनीताल से 20-30 किलोमीटर दूर है, और मैंने आपको बताया जाए कैसे कैसे माया किस किस टाइप से आया, कांडू गांव की ट्रेन ली, और उसके बाद मोहित अभी अंदर है और वो ना मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो इसलिए अभी इसका हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो बुक थी ना वो लेट आई थी उसके हाथ में। बाकी अभी आप यहाँ का थोड़ा माहौल देख सकते हैं कि किस टाइप से है, और उधर ये तुम्हारा उधर मंदिर है, और ये ऐसी पूरी गैलरी सी बनी हुई है, यहाँ पे आते हैं एंड भाई पहाड़ है चारों तरफ, देख सकते हो कितना अच्छा है। बाकी अभी हम यहाँ सोच रहे हैं कि आज रात यहाँ रुके, देखते हैं अभी क्या होता है आगे, आप ब्लॉग में देख लोगे सारा, ठीक है। और अभी खाना वाना खाते हैं बाहर, देखते हैं कितने रुपये क्या खाना मिलता है, और वो खाते हैं एंड दिखाता हूँ आपको मिलता है उसके बाहर। अभी था मैं बाबा निपकर रोरी मंदिर ही हूँ अभी भी, और अभी यहाँ पे पैदल ऐसे घूम रहे थे हम लोग, और हमने यहाँ पे खाना खाया जो कि 120 की थाली मिली, लेकिन खाना बेस था भाई बिल्कुल, वो ना कि दाल, ना दाल अच्छी थी, मतलब एवरेज कह सकता हूँ मैं, कि मतलब पेट भरने लायक ही खाना था, टेस्ट नहीं था कुछ भी, ठीक है, एवरेज से भी नीचे रेटिंग होगा। बिरयानी खाकर टाइम काट दूंगा पूरे दिन मेरा, यही तो भाई ये वाला सीन है। और पता है अभी ना हम लोगों ने ना पानी के बतासे खाए भाई, तो 30 रुपए के 5 पानी के बतासे सिर्फ और सिर्फ, क्यों भाई अभी ना भाई 6 रुपए का एक, 6 रुपए का एक भाई, मेरे यहाँ ना 10 रुपए के 3 मोमो मिलते हैं, डीएनडी से भी महंगा भाई, डीएनडी से, डीएनडी में भी 20 रुपए के 5 देता, सही देता, 5 फ्लेवर देता है और पानी के, तो पानी कैसे डाल लेता, पानी भाई ये ऐसा डाल रहा था, छोटे इतने बता से थे पानी, इतने अलग अलग डाल रहा भाई, हर एक चीज़ की कंजूसी यार। चलो मैं मानता हूँ भाई पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे महंगी आती हैं चीज़ें, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि इतना बहुत ज़्यादा महंगा। तो ये गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ नैनीताल में, और नैनीताल में आप मेरे पीछे देख सकते हो झील की लंबी चौड़ी, और पता है हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि बस क्या ही बताऊँ, बस से आए थे और मेरे को ना बाबा नीप करोरी से लेकर भवाली का जो टिकट पड़ा है वो पड़ा है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और 25 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है नैनीताल, भवाली से नैनीताल तक का टिकट। और अभी मैं आ चुका हूँ नैनीताल में, तो भाई नैनीताल में आप देख सकते हो यार, मतलब यहाँ पे ना इसको कहते हैं मॉल रोड और ठंडी रोड जिसको ही कहते हैं, तो अगर आप इस रोड पे घूमते हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है हमेशा, मतलब गर्मी में भी ना आपको ठंडी ही हवा लगेगी। तो गाइज यहाँ पे ये सारा सिस्टम है, और आप देख सकते हो मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना पीछे, एकदम फ्लैट एकदम बढ़िया। तो यह है, बाकी आज हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टे करते हैं क्या करते हैं, अभी होटल का देखते हैं कि होटल यहाँ पे कितने रुपए में मिल रहा है ना, देखते हैं अगर सही मिलता है, हमें लगता है कि अफोर्डेबल है तो देन रुकते हैं, एंड फिर यहाँ पे आज रात में देखते हैं कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, मजे करेंगे, है ना। तो यही देख हो रहा है, और अभी ना भाई क्या आज रात का प्लान है क्या रुकने का?
तो तुझे अभी बाकी स्टे कर लो है। देखते हैं अभी है ना, होम स्टे वगैरह देख लेते हैं कहीं पे ना। अभी हम मतलब ऐसे नैनीताल में घूम रहे हैं, स्ट्रीट पे कुछ इस तरीके की स्ट्रीट है, और इधर भी ये मतलब देख सकते हो आप बाकी अभिनव भाई और मोहित, ठीक है। तो अभी घूमते जा रहे हैं, ऐसे मजे कर रहे हैं और क्या ही, बस टाइम पास। 360 लेते हैं ना, सेल्फी लेते हैं, घूमते वो मिल गया देखो। तो मैं आ गया था नैनीताल से कांट गोदाम, और कांट गोदाम अभी हमने कैब बुक की थी एक, उसके बाद यहाँ पे आ गए थे कांट गोदाम। कैब हमारी अप्रोक्स 500 रुपीज़ करीब में बुक हुई थी, और अभी यहाँ पे आके हमारे साथ एक मैटर हो चुका है। मैटर ये हो चुका है कि ट्रेन हमारी जो थी वो हो चुकी है मतलब कैंसिल, और अब है 8:30 या 9 बजे के करीब ट्रेन है। तो अभी देख रहे हैं क्या करेंगे, और या फिर हल्द्वानी जाते हैं, हल्द्वानी में थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा हल्द्वानी होने वाला है, तो अभी वो देखते हैं। बाकी अभी कांट गोदाम में एक चस्का कैफ़े है, वहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने खाना वगैरह मंगाया है, दाल वगैरह, और ये लोग खाने में लगे हुए हैं सब, मोहित भाई सब थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो अभी खाने वगैरह में लगे हुए हैं। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ से कुछ करेंगे, कैब करेंगे या कुछ करेंगे, उसके बाद हल्द्वानी जाएंगे, हल्द्वानी एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर अपने घर की ओर चलेंगे। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं एंड मिलते हैं आपसे। आज तो हम आ गए थे मुरादाबाद, और मुरादाबाद में आने के बाद फिर से उन्होंने खाना खाना चालू कर दिया क्योंकि लग रहा था भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बाकी मोहित और आयुष, मोहित फ़ोन चलाने लगा हुआ है और आयुष भाई खाने में, और इधर मेरा भाई लगा रहे हैं बटर। हमने मंगाया पनीर और दाल मखनी। भाई गाइस खाना वगैरह खाते हैं, मिलता हूँ आपसे लास्ट में। तो आप ब्लॉग देख के आ ही गए होगे, और कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आप बाबा नीप करोली जा रहे हो तो भी बताना कमेंट करके, बाकी शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ जो पहली बार बाबा नीप करोली जा रहे हैं, एंड लाइक कर देना वीडियो। बाकी मिलता हूँ ऐसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बहुत सारे अपकमिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे तीर्थ स्थान के भी शायद मैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाकी मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीस आउट।